दूसरा सर्किल वीरता चक्र का है जो सैनिकों के साहस और घेरा गया है। इसके बाद त्याग चक्र है, यह सर्किल सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसके बाद घने पैरों की पंक्ति है, ये पैर सैनिकों के प्रतीक हैं और देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हुए संदेश दे रहे हैं कि हर पहर सैनिक सीमा पर तैनात है और देशवासी सुरक्षित है। कुल मिलाकर देखिए तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य आएंगे, या उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ताकि मेरे लिए एक अनोखा अनुभव रहा है, रेडियो के माध्यम से मैं एक तरह से करोड़ों परिवारों से हर महीने रूबरू होगा। कई बार तो आप सबसे बात करते, आपकी चिट्ठियां पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का ही सम्मान दिया है। यह मेरे लिए एक बहुत ही सुखद आज यहाँ सम्मानित करेंगे और ये जिला मुख्यालय पर है, हर विकास खंड पे, हर तहसील स्तर पर हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। डिटेल बता दें, बदलापुर में हम जो तहसील वाइज विवरण आपको दे देते हैं, बदलापुर में 23,650 किसानों को आज किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे। सदर तहसील में 64,509 किसानों को सम्मानित करेंगे। केराकत तहसील में 37,164, मछली शहर में 41,711, मड़ियाहू में 57,936, सायगंज में 34,890, कुल मिलाकर 259,860 किसानों को आज जनपद जौनपुर में उनको किसान निधि से सम्मानित किया जाएगा। क्या आगे भी छूटे हुए किसान उनको भी सम्मान? हाँ लेंगे, उनको भी लेंगे। कुल सर 6.25 लाख हैं, उनको भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो पात्रता की श्रेणी है उस कैटेगरी में जो भी आएंगे उन सबको सम्मानित करेंगे। हमारे यहाँ आज़ादी कितने साल बाद भी किसान अभी भी बदहाल, तो किसानों की दशा सुधारने के लिए उनको कुछ मदद मिल जाए इसलिए सरकार ने योजना चलाई। और किसानों के लिए कोई योजना चल रही है इसके अलावा? किसानों के लिए तो सारी बहुत सारी योजनाएं चल रही, किसान फसली बीमा है, किसानों के लिए हमने 1 लाख तक का कर्ज माफ़ किया था, समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया है, और जो भी किसानों के लिए यूरिया डाई हमने बढ़ने नहीं दिए, सब कुछ बहुत कुछ काम किया सरकार।